हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सृजन इलेक्ट्रिकल। दोस्त, आप लोग जैसा देख पा रहा, मैं आप लोग को एक पार्ट वन वाला वीडियो में जो हमारा 33 KVA वाला जो VCB पैनल रहता है SF6 वाला, तो वो पैनल में फ्लैश ओवर होने से उसमें कुछ जो सामान है वो ख़राब हो गया। तो मैं पार्ट वन वाला वीडियो में आप लोग को बताया था उसको कैसे रिपेयरिंग करना है और कैसे उसको चेक करता है मेगार में, तो वो मेरा काम पूरा कम्प्लीट हो गया। तो अभी आज में जो पैनल है, पैनल से हम निकाल के उसको काम कर रहा था, हीटिंग कर रहा था, उस सब में आप लोगों को बताया था हीट वार्निश कैसे करना है दोस्तों। तो आज मैं आप लोग को पैनल पे कैसे फिटिंग करना है वही मैं आप लोग को बता रहा हूँ एक एक चीज। दोस्तों, आप हमारा चैनल में नया है तो हमारा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि हम ऐसा वाला वीडियो आप लोग के पास लेके आएगा तो आप लोग के पास पहले नोटिफिकेशन चले जाएगा। दोस्तों, आप लोग जैसा देख पा रहा है, ये हमारा पैनल का सामने में जो हमारा ईपॉक्सी बुशिंग रहता है, जैसा हमारा ब्रेकर है, ब्रेकर का जो पोल रहता है वो फिटिंग होता है, वो पहले हम फिटिंग कर रहा हूँ। बाद में ये हमारा क्या बास बार का सपोर्ट इंसुलेटर है, तो हम लगाने का पहले एक बार उसको मेगार से चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि मेगार में चेक करने के बाद ही हमको लगाना है। तो हम पहले चेक किया तो अभी ये सही है, तो हम एक एक करके फिटिंग कर रहे हैं। दोस्तों, आप लोग जैसा देख रहे हैं आपको भी ऐसा दोस्तों फिटिंग करना है, क्योंकि इसमें हीट वार्निश हुआ, हीटिंग क्या है, आप मैं एक एक करके फिटिंग कर रहा हूँ, आपको भी ऐसा फिटिंग करना पड़ेगा। पार्ट पार्ट आप लोग को बता रहा हूँ, आप लोग देखिए। तो हम जैसे रिपेयरिंग किया उसका बाद इसको फिटिंग कर रहा हूँ, तो मेगा टेस्टिंग भी आपको करना है, तो मेगर वैल्यू आपका जो है वो इन्फिनिटिव आना चाहिए। तो अभी मेरा जो 3 सपोर्ट इंसुलेटर है, ऊपर में जो बास बार लगेगा, जैसा हमारा सीटी रहता है, सीटी में जो P1 P2 रहता है, तो उसमें हमारा क्या एक आउटपुट निकलेगा, एक इनपुट जाएगा, तो उसमें जो बास बार लगेगा वो बास बार को इसमें सपोर्ट के लिए फिटिंग करना है, इसीलिए सपोर्ट इंसुलेटर जो उसको फिटिंग कर रहा है। तो ऊपर में आपको नट बोल्ट जो है प्रॉपरली टाइट कर देना पड़ेगा। आप लोग जो देख रहा है इसमें अभी क्या है, जो अंदर में हम जो फिटिंग कर दिया है उसका बाद हम बॉडी के साथ लगा के एक बार मेगार से चेक कर ले सही है कि नहीं है। तो अभी ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा मेन ब्रेकर है, ब्रेकर का पोल है, तो पोल को क्लीन करके पूरा हीटिंग किया था, उसका बाद इसमें जो फीमेल जो कांटेक्ट रहता है जैसा फिंगर बोलता है, वो हम लोग दो खराब हो गया था, चेंज किया था, तो वो भी फिटिंग हो गया। फिटिंग होने के बाद इसमें पूरा और एक बार मेगार कर रहा हूँ, मेगार करने के बाद ही हम इसको अंदर फिटिंग करेगा, वो भी मैं आप लोग को बताएगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, वो भी आप लोग को प्रॉपरली समझ में आएगा। दोस्तों अभी आप लोग देख रहे हैं, ये हमारा जो पीछे का साइड में जो हमारा बुशिंग लगा है, बुशिंग का पीछे में जो बास बार है, वो बास बार को फिटिंग करने के लिए सपोर्ट इंसुलेटर है, तो उसको हम लोग फिटिंग कर दिया है, फिटिंग करके प्रॉपरली टाइट कर दिया है। आप लोग को देखा है तो पूरा पैनल हमारा खाली था, धीरे धीरे एक एक करके हम फिटिंग कर रहा हूँ। दोस्तों, आपको एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, आप काम कर रहा तो पहले उसको थोड़ा मार्किंग कर लेने का, कौन सा चीज़ कहाँ पे लगा है। तो इसको जो सपोर्ट जो इंसुलेटर है उसको प्रॉपरली आपको स्पैनर से टाइट कर देना पड़ेगा, उसका बाद ही आपको जो बास बार है, बास बार लगा के उसका ऊपर आपको बोल्ट चढ़ा के टाइट करना पड़ेगा, क्योंकि लूज कनेक्शन इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा खतरा चीज़ है। तो आपको ये 33 KVA का SF6 वाला ब्रेकर है, तो इसमें थोड़ा सा भी लूज नहीं होना चाहिए। ये PT का साइड में जो हमारा बास बार है, तो आपको पीछे में देख रहा है, ये हमारा PT है, तो उसको हम चेक कर ले हैं। अभी दोस्तों CT देख रहा है हमारा, एक करंट ट्रांसफॉर्मर है, 3 CT है, तो इसको प्रॉपरली हम लोग फिटिंग करने वाला है, तो इसीलिए माउंटिंग प्लेट में फिटिंग करने के पहले इसका एक P1 और P2 जो रहता है उसमें हम लोग मेगार चेक कर रहे हो, मेगार का वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये काम करने के बाद कुछ दिन पड़ा था, तो अभी इसको फिटिंग करना है, तो अभी प्रॉपरली इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। तो आपको भी ऐसा मेगार से लगाने का पहले एक बार चेक कर लेना पड़ेगा, क्योंकि चेक करने का इसीलिए ज़रूरत है, क्योंकि एक कुछ दिन पड़ा रहता है तो इसमें चार्जिंग नहीं रहता है, मतलब चार्जिंग मतलब क्या है, पावर चार्ज रहेगा तो ये हीटिंग रहेगा तो ठीक है, लेकिन ये ऐसा खुला में काम करने के बाद पड़ा है तो इसमें मॉइस्चर एब्जर्ब हो सकता है,
इसीलिए इसको हीट किया है, हीट बर्निश किया है। उसके बाद लगाने का पहले उसको तीनों में आपको प्रॉपरली मेगर वैल्यू चेक कर लेना पड़ेगा। हम जैसे चेक कर रहे हैं P1 जो P2 दो टर्मिनल है उसमें लगा के भी चेक कर रहा है, जो बॉडी है पूरा बॉडी में एक मतलब जो P1 है उसमें एक लीड लगा के रखा है, पूरा बॉडी में एक वायर घुमा घुमा के हम लोग चेक कर रहे हैं। अभी दोस्तों और एक बार जो ब्रेकर है उसको हम लोग चेक कर ले रहा हूँ, क्योंकि इसको क्या मेगर से ही आपको ज़्यादा काम होता है, क्योंकि इसका मेगर वैल्यू कभी भी कम हो जाता है, कभी भी ज़्यादा हो जाता है। तो ज़्यादा होगा तो आपका सही है, लेकिन कम हो जा रहा है तो आपको फिर से हीटिंग करना पड़ेगा, आपको क्लीन करना पड़ेगा इसमें कार्बन है कि नहीं है। तो हम प्रॉपरली काम कर लिए तो भी इसको हम लोग चेक कर रहे हैं। दोस्तों इसमें देख रहा है जो इनपुट वाला जो हमारा पोल से केबिल आया है उस वाला केबिल हमको क्लीन कर देना है, उस केबिल को हम सेटिंग करेगा। तो अभी इसमें लगा दिया है तो लगाने के बाद इसको हम क्लीन कर दे रहे हैं, जो हमारा बास बार है जो केबिल का ही है, क्योंकि इसमें मॉइस्चर रहेगा जो CRC मारा था, तो उसको आपको कॉटन वेस्ट कपड़ा से प्रॉपरली क्लीन कर देने पड़े। देख रहे हैं दोस्तों हम फिटिंग करने के बाद ही इसको प्रॉपरली और एक बार क्लीन कर दे रहा हूँ। आपको ये क्लीन करना ज़रूरी है दोस्तों। ये अभी बास बार ये सब फिटिंग हो गया, अभी केबिल जो है उसको हम लोग क्लीन कर ले रहा हूँ। दोस्तों आपको भी क्लीन करना पड़ेगा। दोस्तों ये CRC मार के आपको जो थोड़ा भी कार्बन कुछ जमा है वो आपको क्लीन कर लेना पड़ेगा। तो अभी मैं पूरा क्लीन हो गया दोस्तों। अभी ये जो हमारा है ये हमारा CT है, CT को हम माउंटिंग प्लेट में फिटिंग कर रहा है। दोस्तों आपको CT लगाना है, उसका पहले आपको एक बार मेगर कर लेना पड़ेगा, उसका बाद माउंटिंग प्लेट लगा के उसका बाद और एक बार आपको मेगर कर लेना पड़ेगा, क्योंकि माउंटिंग प्लेट में लगाने से आपका मेगर वैल्यू सही आ रहा है कि नहीं आ रहा वो आपको देख लेना पड़ेगा। अभी हमारा CT फिटिंग करने के लिए तैयार हो गया दोस्तों। अभी हम CT जो हमारा जिधर फिटिंग था पैनल का अंदर उधर हम लेके जाएगा। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं जो मेगर वैल्यू है हमारा CT का वो हमारा सही आ रहा है। अभी हम सीटिंग फिटिंग करने के लिए जा रहा है दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं मैं रस्सी का मदद से CT को जो पैनल पे फिटिंग करने के लिए उठा रहा हूँ। तो इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा मैन पावर का ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि ये हैवी वेट होता है, 33 kg का है इसीलिए दोस्तों। तो आपको थोड़ा आराम से इसको लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई स्क्रैच नहीं आना चाहिए। स्क्रैच आएगा तो आपका जो ये जो CT है वो डैमेज हो सकता है दोस्तों। आप रस्सी का मदद से ऐसा एक एक करके आपको बोल्ट और नाट लगा के स्प्रिंग वाशर देके माउंटिंग जो प्लेट है उसको फिटिंग कर देना पड़ेगा, और इसका जो लोड है आपको प्रॉपरली पकड़ के रखना पड़ेगा गिर न जाए, क्योंकि ये वेट वाला है। तो अभी मेरा एक फिटिंग हो गया, अभी दूसरा वाला हम फिटिंग कर रहा है। इसमें 3 CT आपको दोस्तों लगता है। तो दूसरा वाला अभी हमारा फिटिंग हो रहा है दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं। तो मैं एक एक चीज़ आप लोग को इसीलिए बता रहा हूँ कि पार्ट आप लोग को इसीलिए बता रहा हूँ तो आप लोग को समझ में आएगा कैसे हमको पैनल में काम करने के बाद काम कैसे करना है। वो तो मैं पार्ट 1 वाला वीडियो में बताया है इसको कैसे सही करना है। तो अभी फिटिंग कैसे करना है, पहले मैं बास बार फिटिंग किया, सपोर्ट इंसुलेटर फिटिंग किया, बाद में पीछे का साइड में हमारा CT लगता है, तो इसीलिए मैं लास्ट में CT को फिटिंग कर रहा हूँ। अभी दोस्तों हमारा तीसरा वाला जो CT है वो फिटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, देख रहे हैं आप लोग। मैं तीसरा वाला जो फिटिंग है रस्सी के मदद से ऊपर में उठाया दोस्तों। आप लोग भी ऐसा रस्सी के मदद से CT को ऊपर उठा के नट बोल्ट फंसा लेने का, क्योंकि इसमें हमारा काम जो है वो आसानी होगा दोस्तों। तो अभी ये जो CT में जो हमारा बास बार कनेक्टेड होगा वो फिटिंग कर रहा है दोस्तों, क्योंकि इसमें आपको आराम से पकड़ के कौन सा पोजीशन में आपका बास बार था पहले उसी का हिसाब से आपको लगाना पड़ेगा। आप लोग देख रहे हैं जो हमारा बुशिंग है, जैसा ब्रेकर ऑन करेगा तो हमारा जो सप्लाई है वो हमारा CT का थ्रू निकलेगा, और इन जो होगा मतलब इसमें आपका PT का थ्रू इसमें आ रहा है CT में, उसका बाद हमारा जो CT है उसमें से हमारा आउटगोइंग केबिल लगेगा नीचे का तरफ। जैसा हमारा P2 लगा है तो P2 का साइड में CT का उधर हमारा आउटपुट होगा, तो उधर से हम आउटपुट लेके हमारा जो ट्रांसफार्मर रहता है तो ट्रांसफार्मर हम ले जा सकता है, नहीं तो उसका बीच में और एक हम लोग ब्रेकर लगा सकता है।
तो आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा सीटी में जो P2 साइड है, P2 साइड में आपका आउटपुट केबिल लगेगा जो हमारा ट्रांसफार्मर में जाएगा। दोस्तों अभी बस बार थोड़ा फिटिंग करने के पहले तो मैं जो सीटी था उसको अभी थोड़ा प्रॉपरली टाइटनेस कर दे रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं मेरा प्रॉपरली अभी सब कुछ मैं फिटिंग कर लिया है, तो अभी एक एक चीज़ हम इसको टाइटनेस करेगा। इसमें हमारा क्या है दोस्तों, ये हमारा जो बासबर लगा है उसको प्रॉपरली टाइट कर दे रहा हूँ, और नीचे में और एक बासबर लगा है वो मैं आप लोग को दिखाऊंगा दोस्तों। तो आपको आराम से इसको टाइट कर देना पड़ेगा प्रॉपरली। देख रहे हैं जो बासबर हम फिटिंग किया है ये हमारा बुशिंग का साइड में जो ईपॉक्सी बुशिंग बोलता है ना उधर हमारा बासबर लगा है दोस्तों, वो आपको फिटिंग करना पड़ेगा और प्रॉपरली आपको बॉक्स पैनर जैसा रैकेट सेट बोलता है उसी से आपको टाइट कर देना पड़ेगा दोस्तों। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा दोस्तों क्योंकि ये मैं आप लोग को प्रॉपरली बता रहा हूँ कैसे काम होता है और कैसे उसको फिटिंग करना है धीरे धीरे। देख रहे हैं दोस्तों अभी हमारा प्रॉपरली ये फिटिंग हो गया दोस्तों। नीचे में जो सपोर्ट इंसुलेटर बस बार, ऊपर में मतलब बुशिंग जो ईपॉक्सी बुशिंग है ये इनपुट के लिए 3 रहेगा, 3 पोल पे हमारा लगेगा, और आउटगोइंग के लिए हमारा 3 पोल जो रहता है उसका नीचे में हमारा ईपॉक्सी बुशिंग लगेगा, तो उसी से हमारा आउटगोइंग इनकमिंग होगा। तो पीछे का साइड में सीटी का जो साइड है उधर हमारा जो आउट गोइंग है ये जो देख रहा है ये मैं ब्रेकर का जो फिंगर बोल रहा है वही एयर चेंज किया है दोस्तों। देख रहे हैं दोस्तों मैं इसको जो फिंगर जो खराब हो गया था उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो आपको भी खराब हो जाएगा मतलब इसमें कार्बन नहीं हो गया तो आपको भी चेंज कर लेना पड़ेगा दोस्तों। अभी ये मैं आप लोग को सामने में बता रहा हूँ, देख रहा है हमारा जो ई पॉक्सिंग है 6 पीस है, मतलब 3 में हमारा इन है और 3 में हमारा आउट है। देख रहे हैं हम प्रॉपरली इसको फिटिंग कर दिए दोस्तों, आपको भी ऐसा फिटिंग कर लेना पड़ेगा। उसका बाद हम क्या है जो ST हाई टेंशन वाला जो टेब आता है जो हमारा 3M कंपनी का टेब आता है वही हम यूज कर रहा है, जो हमारा बासबर है बासबर का जगह पे जिधर खाली है तो उधर हम ST इंसुलेशन टेप लगा दे रहा हूँ। आप लोग देख रहे हैं एक एक करके ऊपर में हम लगा दिया है, अभी हम नीचे में लगा रहा हूँ दोस्तों। आपको ये सेफ्टी पर्पस के लिए लगाना जरूरी है दोस्तों, आप भी इसमें ST वाला 3M कंपनी का ये अच्छा होता है टेप वही आप यूज करने का इंसुलेशन टेप दोस्तों। आप लोग देख रहे हैं आपको आराम से इसको लगा के पूरा प्रॉपरली टाइट कर देना पड़ेगा। पीछे के साइड में देख रहे हैं केबल लगा दिया है, और जो हमारा इनपुट साइड है उधर भी हम केबल लगा रहे हैं, तो केबल लगा के सीटी में देख रहे हैं आउटपुट्स का साइड में हम केबल लगा दिया है, केबल लगा के टाइट कर दिया है। उसका बाद केबल में थोड़ा स्क्रैच था तो उधर वो ST वाला जो इंसुलेशन टेप है वो हम लोग लगा दिया। आप लोग देख रहे हैं यही टेप हम यूज किया है, ये 3M कंपनी का इंसुलेशन टेप है। उसका बाद दोस्तों ये जो है ये हमारा क्या कंट्रोल वायरिंग है, इसमें हमारा पहले में खोलने का टाइम इसमें मार्किंग कर दिया, इसमें कुछ पॉइंट है जैसा हमारा S1 है S2 है ऐसा पॉइंट है, तो इसमें आपका फेरुल नंबर दिया जाता है। तो खोलने का पहले मैं एक टेप में पेन से लिख लिया था कौन सा क्या है, तो वो मेरा कंट्रोल वाला वायरिंग हो गया। अभी ब्रेकर हम जो हमारा ब्रेकर निकलने के लिए जो उसका रैक दिया है तो उसमें हम ब्रेकर को अभी उठा रहा हूँ क्योंकि ब्रेकर थोड़ा हाइड में था, तो इसको अभी ब्रेकर को हम पैनल का अंदर इन करेगा दोस्तों। आपको ऐसा वाला ब्रेकर मिलेगा, ये ABB का मेक का एक ब्रेकर है SF6 है, तो आपको ये आराम से थोड़ा ये कि हैवी वेट हो जाता है तो गिर जाएगा तो आपका ब्रेकर जो है वो डैमेज हो जाएगा दोस्तों। इसको आराम से आदमी का मदद से आपको ब्रेकर को अंदर इन करना है, तो मैं धीरे धीरे ब्रेकर को अंदर में इन कर लिया है। आप लोग देख रहे हैं इसमें कुछ ऊपर में लॉकिंग सिस्टम दिया जाता है, तो लॉकिंग सिस्टम को आपको एक बार ध्यान रखना पड़ेगा। बाद में एक ब्रेकर को ऑन ऑफ होने के लिए कंट्रोल का एक प्लग रहता है वो भी आपको पपा दिए थोड़ा चेक करना पड़ेगा कहीं कुछ खाँस नहीं जा रहा है घुसाना जाता है इनसे आपको, क्योंकि एक काट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा दोस्तों। अभी ये ब्रेकर अंदर कर लिया है दोस्तों, तो अंदर करने के बाद हम इसको एक बार प्रॉपरली चेक कर रहा हूँ क्योंकि ये बराबर उसका ट्रॉली में जाके बैठ गया कि नहीं है। अभी ब्रेकर हमारा बाहर है तो उसका बाद हमको
हैंडल से मैनुअली हैंडल से घुमा के अंदर करना है। दोस्तों एक चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अभी मेरा देख रहा है ब्रेक आर ऑन कंडीशन में बता रहा है, तो इसको अभी अंदर हम लोग डाल दिया है, तो उसके बाद डोर क्लोज करके हैंडल से पूरा अंदर तक हम लोग लेगा। तो अभी देख रहे हैं दोस्तों हैंडल से ब्रेकर को अंदर लिया है दोस्तों, आपको भी ऐसा लेना है दोस्तों। इतना रहेगा दोस्तों, धन्यवाद।